सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, जिनका अपना पूरा ध्यान 2024 के इलेक्शन पर है। क्या ही भरोसा करें, जिनकी सत्ता में होने के बावजूद भी महिलाओं को भारत देश के अंदर क्या चल रहा है उन्हें कुछ पता नहीं है। तो मणिपुर में इतनी दंगा हो गया, ये सरकार लगी पड़ी है, वो अपने देश के ऊपर खाली नहीं है। सरकार कर क्या रही है, सरकार कर क्या रही है, सरकार मैं बताता हूँ। सरकार 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं। सो गया सोनिया, सोनिया पूरा ध्यान 2024 के इलेक्शन पर है। क्या ही भरोसा करें,
जिनकी सत्ता में होने के बावजूद भी महिलाओं को वास्तविक सड़कों पर घुमाया गया। और सरकार सिर्फ विदेशी दौरों में ध्यान दे रही है, भारत देश के अंदर क्या चल रहा है इन्हें कुछ पता नहीं है। कपालीपुर में इतनी दंगा हो गया, ये सरकार करने में लगी पड़ी है, उनको अपने देश के ऊपर ध्यान ही नहीं है। अब इसका जिम्मेदार कौन कौन कौन? वही सरकार जो अब तक बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं करती। वही सरकार जो दुपट्टे की आड़ में दंगे भड़का रही है, पार्टी में बेचता रहता है। वही सरकार जो नई नई योजनाएं चलाती है पर विकास नहीं। इन्होंने राजनीति के खेल को और हिंदू और मुसलमान को अटका दिया है। असली सरकार जो सिर्फ कहने गले कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अगर ऐसे अच्छे दिन होते तो ऐसे अच्छे दिन भाई मुझे नहीं चाहिए। अच्छे दिन जब तुम गाते रहे तो भाई ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई? सरकार कर क्या रही है? कर क्या रही है सरकार? सरकार कर क्या रही है? सरकार रही है सरकार। मैं बताता हूँ, सरकार 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है। उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। पर अब इन छोटी छोटी बातों पर विचार करेगा कौन? कौन करेगा? कौन करेगा? लेकिन इन छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। अरे छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए। सरकार का मंत्री पे विचार होना चाहिए, सरकार का मंत्री पे विचार होना चाहिए, सरकार का मंत्री पे विचार होना चाहिए, सरकार का मंत्री पे विचार होना चाहिए। कोई सभासद, कोई प्रधान और अपने समाज में क्या मुझे इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और पता है इसने क्या शेयर किया? हाँ, एक ट्रक से हुए 4 टन टमाटर गायब। 4 टन टमाटर गायब? तो इसमें एक और चीज लिखी है, अरे एक आदमी जो टमाटर बेचता था 40 करोड़ का मालिक बन गया भाई। 40 करोड़ का मालिक, 40 करोड़ का मालिक हमारे नेताजी के साथ में। अरे तू आ गया ना, इधर आ, इधर आ, इधर आ, देख चुका है आज नेताजी को। अरे क्या सब देख रहे हो तुम लोग? तो और क्या देखे? इसके अंदर इतना कुछ हो गया, तुम लोग ये फालतू की न्यूज़ देख रहे हो? अबे क्या हो गया? अरे हमारा मणिपुर चल रहा है, मणिपुर के अंदर दंगे हो रहे हैं और तुम ये सब न्यूज़? लेकिन न्यूज़ में तो कुछ और दिखा रहे हैं। क्या न्यूज़ दिखा रहे हैं? हर न्यूज़ चैनल पे ये चल रहा है, मणिपुर में दंगे हुए हैं, मणिपुर चल रहा है। मैं दिखाता हूँ इसे, रिपोर्ट न्यूज़ में देख क्या चल रहा है। आपको क्या लगता है सीमा हैदर के पति के बारे में? सचिन 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 मैडम जी, आप भी बताइए, लड़के के साथ ये चल रहा है कि ये देश की सच्चाई नहीं है, ये देश की सच्चाई नहीं है। सच्ची चैनल में देखो तुम जाकर देश के अंदर क्या चल रहा है, हर जगह दंगे फसाद हो रहे हैं। अगर मणिपुर में कुछ होता है तो क्या फर्क पड़ रहा है? हम तो दिल्ली में रहते हैं। अच्छा ऐसी बात मत करियो, हमारे देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई परेशानी है तो हमारी परेशानी है। और तू ये बात कह रहे हैं ना दिल्ली में बैठे हमें क्या हो रहा है? देख भाई, आज मणिपुर में है तो कल दिल्ली में भी होगा, परसों हरियाणा में भी होगा, उसके बाद पंजाब में भी होगा। ऐसे करते करते पूरे देश में आग लगेगी। लेकिन बाकी क्या हालत है कोई मुझे बताएगा? मुझे सही से बताओ यार क्या हो रहा है? तुझे पता होगा क्योंकि आंखों देखा हाल हर व्यक्ति जानता है कि मणिपुर के अंदर क्या चल रहा है। तुम तीनों महिलाओं के बारे में तो जानती है ना?
अशोक कुमार राठौड़ जी के जहाँ पर महिलाओं पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं को नग्न कर शहरों में घुमाया जा रहा है, अगर ये हमारे बहु बेटियों के साथ होगा तो क्या होगा? तो इसलिए कहते हैं भाई, हम सबको आवाज उठानी पड़ेगी इसके खिलाफ और हमारे सरकार तक अपनी आवाज पहुँचानी पड़ेगी। I'm gonna get you.